सुरकुंडा देवी के दर्शन करेंगे। करते हैं दोबारा यात्रा अपनी प्रारंभ। जय माता दी। तो फाइनली मंदिर के दर्शन कर लिए हैं हमने। गाइज वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ये रास्ते और मैं हूँ राहुल सैनी। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 6 बज रहे हैं और व्यू दिखाऊँ आपको, व्यू दिखाता हूँ। यह सुबह 6 बजे का नज़ारा। कुछ नहीं दिख रहा, विजिबिलिटी जीरो है और कोहरा ही कोहरा। रेडी हो जाए फिर मिलते हैं आपसे। और आज का प्लान है वो बताएंगे कहाँ जाएंगे आज कहानी। तो मिलता हूँ। अभी तो प्लान ऐसा है कुछ है कि सुरकुंडा देवी के दर्शन करेंगे, दिखाएंगे आपको। तो निकलते हैं, अभी बंदर आ गए हैं देखो। तो बोलो जय माता दी। लो जी गाड़ी पार्क कर दी है ऊपर रोड साइड और अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है। स्टार्टिंग करी है इन सीढ़ियों से। आराम से बोलो, आराम। देखते हैं कितना लंबा ट्रैक है, बताएंगे आपको वो तो। खैर अभी तो जय माता दी करते हुए चल रहे हैं। जय हो माता की जय। और डिस्टेंस की बात करता हूँ, ये चंबा रोड पड़ता है वैसे तो, और इको पार्क से लगभग 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के अराउंड होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कर लें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। लो जी एक पड़ाव तो पूरा हुआ, अब यहाँ से ये द्वार माता रानी सुरकुंडा जी का, तो दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं। तो अब हम सुरकुंडा देवी के, माँ सुरकुंडा देवी के यहाँ पे आ गए हैं। मंदिर सुरकुंडा देवी ये जो है, ये बता रहे हैं नीचे की इसका जो ट्रैक है कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा यहाँ पर पहुँचने में ऊपर। ये एंट्रेंस और यहाँ पे कुछ प्रसाद वगैरह की शॉप्स हैं नीचे। व्यू ऐसा भी काफी कोहरा है, तो चलते हैं सुरकुंडा माँ देवी के दर्शन करने। जय माता दी। रास्ता कुछ ऐसा है, तो चढ़ रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, जय माता दी करते हुए जा रहे हैं। व्यू बादल है, कुछ दिख ही नहीं रहा, खाली बादल ही बादल दिख रहे हैं। स्टिफ एयर काफी चढ़ाई, ये देखो। चलते जाओ, जय माता दी करते जाओ। जय माता दी। ये थक चुका है पहला पड़ाव इतने, अपना कैम भी डाल दिया। राहुल आज तुम्हारे साथ है। ठीक है, देख सकते हो मैं भी हूँ। अरे मेरे को भी तो खा दो। और आर्स और मैं देखते भी तो चल ही रहे हैं, कहाँ थकते हैं हम भी, वहीं लेंगे हम भी रेस्ट। गाइस दूसरे बस हम पहुंचने वाले हैं। अच्छा भी चढ़ाई करवाते हो क्या, क्या चार्ज लेते हो? तो एक साइड के 400 रुपए लेते हैं खच्चरों से। घोड़े घोड़े आप जा सकते हैं, घोड़े देखो घोड़े यहाँ पे।
400 रुपये में वन साइड चलते जाओ, जय माता दी करते जाओ और अपने रास्ता तुम्हारा हो जाएगा पार। और क्या? जाता जाता जाता। वही जय माता जी। बोल रहे बेटा। जय माता जी की जय। जाता जाता जाता। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ले आओ। चलाएँ तो कौन ले? बोले ना ना करे। जाता 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 ये जा मंदिर। रोप वे का चलेगा यहाँ पे, देख लो आने वाले टाइम में रोप वे का हो जाएगी व्यवस्था। आप यहाँ से डायरेक्ट रोप वे से सीधा मंदिर में पहुँच सकते हैं। शायद मंदिर तक पता नहीं कहाँ तक जाएगी, फिलहाल ये मंदिर तक ही जाएगी। और ये माँ सुरगंडा देवी के बारे में दिखाता हूँ आपको। देखिए ऊंचाई, हम हाइट पे हैं 2750 मीटर की। ये रनोल्टी से 5 किलोमीटर, टीरी बांध से 48। इधर भी कुछ है क्या? हाँ जी वो कोई ये तो सुरकंडा देवी के बारे में कुछ ये लिखा था, देख लिया होगा आपने। और बीच बीच में ना शॉप्स वगैरह भी हैं चाय पानी की, उस पर हाथ नहीं लगा, चाय पानी वगैरह की सबकी व्यवस्था है, पानी वगैरह सब मिल जाएगा आपको रास्ते में। लेकिन इतनी खतरनाक चढ़ाई भी नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन इजीली स्टेप स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप्स बने हुए हैं। उन्होंने हमें रुक गई है रेस्ट करने के लिए यहाँ पर। कितना है यहाँ से, कितने हैं? आधे घंटा ठीक नहीं भैया, थैंक यू। बीच में ना थोड़ा सा आपको रेस्ट सुकून मिल जाएगा, थोड़ा सा प्लेन एरिया भी मिल जाएगा। कई कई स्टिफ है, कई कई प्लेन है, लेकिन ज़्यादा स्टार्ट अभी तो ठीक चल रहा है, तो अभी तो ठीक ही लग रहा है, अभी इतनी स्टिफ नहीं है, नॉर्मल ही है। देखो आगे आगे क्या स्टिफ चढ़ाई आती है। नहीं अभी तो यूएस है ऊपर का, स्टेयर्स हैं पर ज्यादा प्लेन है। तो व्यवस्था काफी अच्छी है, टीन शेड लगे हैं अगर बारिश आ रही है, और बेंचेस डली हुई हैं अगर आप थक गए तो आप बैठ के। गिर रहे होंगे, देखो कि बेंच। और आज कह रहा है कि इसे टेपर में है, थोड़ी सी ढलान पे हम गिर रहे हैं, तो जगह सही है यार बैठने के लिए भी, थक जाओ तो थोड़ी देर रेस्ट करके अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद तो हम करते हैं दोबारा यात्रा अपनी प्रारंभ। जय माता दी। दोबारा स्टिफ चढ़ाई, जगह जगह स्टिफ ज्यादा है। चलो फिलहाल तो चल ही रहे हैं। हम आ चुके हैं ऊपर इतनी, और वो बोल रहे नहीं हट जा, अरे खच्चर आते हुए पकड़ियो।
अरे नहीं कह रहे चढ़ाइए गाइस बस तो खाली हो गया है। ए, कुछ भी नहीं दिख रहा यार वो कितना है और सभी इधर से आ रहे हैं तो गाइस अभी मैं चल रहा हूं चल रहे हैं अभी ये दोनों हमने बहुत मेहनत से ऊपर पहुंच गए ओ भाई साहब भाई खतरनाक तरीके से चलते हैं उतर उतराई में भाई कोशिश ये करो कि चढ़ाई कर लो चढ़ चले कि उतराई में दिक्कत है और ये देखो थके हुए प्लेयर हमारे थक गई तो शायद अभी हमारा ट्रैक अभी थोड़ा सा बचा है देखते हैं यार अभी ये शायद रोपवे का यहाँ पे है टेम्पल अभी पता नहीं कितनी दूर है थोड़ा सा वो ट्रैक यार काफी स्टिफ है चढ़ाई 2 किलोमीटर की है लगता है तुम पता नहीं कितने किलोमीटर चल के आ रहे हो तो रुकते रुकाते आ रहे हैं काफी देख पता नहीं अभी कितने शायद 1 घंटे से ऊपर तो हो ही गया मैं आने में यहाँ पे तो पहुँचते हैं मंदिर पर तो जी चढ़ाई के लास्ट चरण में हम पहुंच गए हैं और फाइनली मंदिर दिखता हुआ पर मंदिर थोड़ा सा ऊपर है और थोड़ा सा वॉक करना है और यही नीचे ही खच्चर वाले आपको उतार देते हैं यहाँ से आपको चलना पड़ता है पैदल और यहाँ से ही रोप वे का है ट्रॉली आपको उतार के आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा और हम फाइनली मंदिर के चढ़ाई हमारी संपूर्ण होने वाली है लास्ट देखो कितना स्टिप है तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम मंदिर के अंदर जूता घर मुझे सामने नजर आ रहा है वहां जूते उतारेंगे फिर मंदिर में चलेंगे आगे ये जूता स्टैंड है यहाँ पर और ये नीचे से आया नीचे कुछ नहीं दिखेगा बस बादल ही बादल है ये आ चुके हैं अभी टिकट डाउन है पूरी लो जी इतनी चढ़ाई करने के बाद अब आ चुके हैं फाइनली मंदिर के द्वार पर और बस अब दर्शन करने बाकी है कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ से टोटली ब्लैंक हो रहा है व्यू नीचे का हाथ धो लिए आ जाओ जी तो चलते हैं देवी माई के दरबार में तो थोड़ा सा मास्क ऊपर कर लेते हैं तो जी मंदिर का प्रांगण फाइनली मंदिर के प्रांगण में है भीड़ काफी है श्रद्धालु काफी है मोस्टली भीड़ रहती है यहाँ पे शायद मंदिर का मुख्य द्वार यहाँ से और एक तो शिव जी का होगा एक मंदिर वहां पे यार हरे घेरा यहाँ से नया शायद अलाउड नहीं है दर्शन करते हैं फिर आपको मिलते हैं तो फाइनली मंदिर के दर्शन कर लिए हैं हमने फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी सुरगंडा देवी का मंदिर हमारे बैक साइड में है अब इन मंदिरों में जाके देखते हैं कौन कौन से भगवान अंबर बजरंग
बलि आपकी सदैव जय हो। ओम हनुमंताय नमः। तो बाबा बालाजी के दर्शन, कुछ व्यू आपको दिखाता हूँ, यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। जूम करके दिखाते हैं, तो मंदिर अभी आधे घंटे के लिए बंद हो चुका है, शायद आरती होगी। तो यहाँ पर हवन वगैरह जो होता है, वहाँ पे यज्ञ होता है, ये वो है अंदर, इसके अंदर यज्ञ वगैरह होता है। और उसके सामने भैरव देवता, और इधर भगवान शंकर और हनुमान जी महाराज। तो देख रहे हो नीचे का गाड़ी, शायद पार्किंग रोड, शायद दिखाता हूँ आपको, रोड दिख रहे हो तो जूम करके दिखाता हूँ। ये यहीं का ही हमारी गाड़ी लगी हुई है, शायद इससे भी आगे दिख रहा है काफी, लेकिन काफी हाइट पर मंदिर है। बादल के बारे कुछ व्यू दिख नहीं रहा यहाँ से, क्लियर विजिबिलिटी जीरो है, नहीं तो काफ़ी अच्छी रेंज दिखती है यहाँ से, हिमालयन व्यू दिखता है। और ये मंदिर का, तो ठीक मंदिर के बैक साइड में यहाँ पर ये कुछ शॉप्स वगैरह खाने पीने की, इसका रास्ता ना यहीं से जा रहा है शायद, दिखाता हूँ। ये मंदिर की बैक साइड है, और ये यहाँ से स्टेयर से आप यहाँ पहुँच सकते हैं, और यहाँ से कुछ ऐसा है। काफी ना मौसम खराब हो चुका है, एकदम बढ़िया मौसम, काफी फोगी फोगी हो गया एकदम। तो मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ पर सी वर्सी कच्ची मंदिर की, और बस वह निकलते हैं अब यहाँ से अपने एंजॉय करते हुए। और आर्स और उसकी मम्मी, सो फाइनली दर्शन करने के बाद अब नीचे उतरते हैं। तो मंदिर काफी पुराना यार, एक माता रानी का ये मंदिर सिद्धि पीठों में आता है, जो 108 सिद्धि पीठ है उस मंदिर में से एक ये सुरगंडा देवी आती है, जिसके आज हमने दर्शन किए। काफी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर दूर दूर से, और अपने भजन कीर्तन करते हुए अपनी यात्रा नीचे से प्रारंभ करते हैं, और थकावट आपकी ऊपर आके ना सारी थकावट उतर जाती है। आप वहाँ का वेदर इतना बढ़िया है, सारी आपकी थकावट एक मिनट में उतर जाएगी ऊपर जाके, आपकी उतराई में इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी चल रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, मिलते हैं आपसे नीचे जाकर। जय माँ भवानी। अगर मैं ट्रैक की बात करता हूँ, तो इसका जो ट्रैक है एक साइड 2.5 किलोमीटर है, कम से कम 2 किलोमीटर बताते हैं, लेकिन हाँ 2.5 से प्लस ही होगा थोड़ा बहुत, इतना तो है ही है, 2+ तो है ही है ट्रैक, मतलब 2 किलोमीटर से ज़्यादा। मिलते हैं आपको नीचे उतर कर। तो 2 घंटे लगे हमें यहाँ से, मतलब 2 घंटे से ज़्यादा ही टाइम लगा मंदिर के दर्शन करने में आने नीचे में, और ये नीचे मार्केट्स वगैरह भी है, तो 2 घंटे तो आप समझ ही लो मंदिर के, कम से कम आराम से भी जाओगे तो 2 घंटे के अंदर मंदिर के दर्शन करके नीचे आ जाओगे। और ये कुछ यहाँ पे नीचे शॉप्स वगैरह भी है। तो प्लान कुछ ऐसा है, यहाँ से जाएंगे हम इको पार्क, दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
साथ ही लाइक शेयर करना। बोलो जय माता दी।